दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। शहर में एक शख्स अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए बाजार से गुब्बारों का पैकेट खरीद कर लाया। घर में सजाने के लिए जब उन्हें फुलाना शुरू किया गया तो उस पर जो लिखा था वो देखकर घर वालों के खुद ही हाथ पैर फूल गए। उन पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। दरअसल का दवेहिंगर साइट नंबर 1 निवासी अजय प्रताप सिंह अपने बेटे के जन्मदिन के लिए ये गुब्बारे खरीद कर लाए थे। पेशे से वकील अजय शहर में हिंदू समन्वय समिति युवा वाहिनी के विधिक सलाहकार भी हैं। घर में बच्चे का जन्मदिन तो क्या मनना था, सब इन गुब्बारों की पहेली में ही उलझ कर रह गए। जल्दी ही ये खबर बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी लग गई। घर वालों और गुब्बारों के पैकेट को लेकर तत्काल उस दुकान का रुख किया गया जहां से ये गुब्बारे खरीदे गए थे। गोविंद नगर स्थित सीमा प्रोविजन स्टोर से ये गुब्बारे का पैकेट खरीदा गया था। दुकानदार को सभी ने इस तरह के गुब्बारे बेचने के लिए भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दुकानदार बहुत सफाई देने की कोशिश करता रहा कि वो तो कहीं और से ये गुब्बारे खरीद कर लाया है और जानता भी नहीं कि इन पर क्या लिखा है। जल्दी ही इस मामले की खबर थाने में भी पहुंच गई। पुलिस ने अजय की शिकायत पर दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की जांच में सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इन गुब्बारों का स्रोत क्या है। क्या पाकिस्तान से इस तरह के गुब्बारे भारत लाकर बेचे जा रहे हैं, या देश में ही स्थानीय तौर पर इस तरह के गुब्बारे बाजार में बेचने के लिए लाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों ही सूरतें खतरनाक है। पुलिस को जल्दी ही इस तरह के शरारती तत्वों को बेनकाब करना चाहिए। लाइक कॉमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।